शाम निकल। 30 जून 2022 शाहपुर कांजा की मौजूदा सूरत हाल। ये देखिए नहीं बहरों की साइड आई है, ऊँटों से मैं निकल आया हूँ, इस तरफ आ गया हूँ। ऊँट भी बहुत ज़्यादा भी कम है, कोई ख़ास जानवर नहीं है। ये भी बोल टीवी गाड़ी खड़ी है जो कवरेज के लिए आई हुई है। ये सारा एरिया जानवर से भरा होता है, देखिए भैया फुल हर साइड पर जानवर ही जानवर होते हैं। सख्ती भी है कि सब जानवर बाहर नहीं आने दे रहे, वो अंदर। ये अच्छी बात है कि अंदर रहे हैं लोग, ताकि लोग आराम से अंदर आ सकें, वरना यहीं पे ट्रैफिक फंसी रहती है। ये वो रास्ते है जहाँ से ट्रक अंदर आता है, और इसे वॉशरूम वाली साइड भी कहते हैं। इस बारे का पता करो। माशाल्लाह प्यारे जानवर हैं ये, वेरे का रेट पता करते हैं एक क्या कहते हैं। जानवर अच्छा है माशाल्लाह, देसी जानवर है प्योर। सोए में देख रहे हैं भाई, थके हुए बेचारे सोए में, कोई नज़र नहीं आया जो बात करे। आगे चलते हैं। ये अमले की गाड़ियाँ जो सफाई के काम पे मसरूफ़ हैं, वो देखें ज़बरदस्त एक बैरा माशाल्लाह, दो जोड़ा है। थोड़ा जूम करता हूँ दिखाने के लिए, ये देखें बड़ा खूबसूरत जानवर है माशाल्लाह। रेट बहुत हाई है इस टाइम जी माशाल्लाह। जब ईद आती है ना, तो हर बंदे का कारोबार जो इनसे उपजता है उसको एक सीज़न लगता है। पट्ठे वालों का अलग लगता है, पिकअप वालों का अलग लगता है, लोडर का अलग लगता है, रिक्शे का अलग लगता है, हर मतलब अच्छी खासी इनकी कवरेज हो जाती है। मतलब बहुत से कारोबारी लिंक बनते हैं इसके साथ, इस मंडी की वजह से। मंडी को टोटली खाली नज़र आती है। ये पार्किंग एरिया है मंडी का, जहाँ सारी बाइक्स वगैरह खड़ी होती है। रास्ता आगे बंद किया है, रास्ता खोलेगा हमारे जाने के लिए। यहाँ से आम आवाम निकलती है, ये रास्ता बंद किया गया होता है। इतने सारा जानवर भरे होते हैं। ये भाई के बैरे को ना कट्टा है एक, उसको चोट लग गई है, उसकी दुम मरोड़ रहा है उसको नीचे खड़ा करने के लिए। यहाँ भी अंदर ऊँट है, आपको अंदर जाकर दिखाते हैं। ऊँटों की इन्होंने काफ़ी जगह चेंज की है, इस पर इधर भी ला रहे हैं, उधर भी ला रहे हैं, आपको दिखाते हैं सारा भी कराते हैं। जानवर आया है लेकिन जिस तरह भर के आता है उस तरह नहीं अभी जानवर आया। मतलब फैमिलीज भी आई हुई हैं साथ, बच्चियाँ आई हुई हैं अपने पेरेंट्स के साथ, इनका भी दिल करता आने को, लेकिन कल्चर ऐसा डेवलप होता है कि अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते। माशाल्लाह काफ़ी जानवर लगा हुआ है। मेजर बात रेट बहुत ज़्यादा है, अभी तक हमने कोई ऊँट बिकते नहीं देखा। हम खुद ऊँट लेने आए हुए हैं, लेकिन जो पसंद आता है वो 12 लाख 15 लाख इससे ऊपर मांगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। उतरे का जानवर नहीं होता जितना ये लोग डिमांड कर रहे हैं। ऐसा को नजर नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ठीक ठाक हो? की मांगते हो पल्ले ऊँट का? हाँ जी 5.5 लाख। माशाल्लाह चलो ठीक ठाक भाई साहब। खैर वो सामने सौदा भी हो रहा है एक ऊँट का, भाई इसके ऊपर बैठ के दिखा रहा है कि जानवर बड़ा शरीफ है। सब लोग ऊँट ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। की मांग रहे जोड़दा भाई साहब? अरे जोड़दा की मांग रहे हो? नहीं कोई गल सही करो, जी गल करो मेरी, ये वीडियो वाली गल ना करो, सही गल करो, की मांग रहे हो? 5.5 लाख रुपया। 11 लाख कर दो।
है फिर 11 लाख मांगा जी जोड़ी का उन्होंने। जब एक प्यारा ऊँट है, इतना बड़ा नहीं है लेकिन खूबसूरत ऊँट है माशाल्लाह। इनका पता करते हैं क्या मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, अरे की मांग रहे भाई जान? 8 लाख रुपया मांगा जी इसका इन्होंने, मेहरबानी। बहुत हाई रेट है जी यहाँ, मेहरबानी। हर तरफ ऊँट ही ऊँट है लेकिन कस्टमर कोई नहीं है। ये देखिए ऊँट लेटा हुआ है, रेस्ट कर रहा है। ये दाने निमसी के दाने नज़र आ रहे हैं इस ऊँट के ऊपर। कई ऊँटों पे ना मैंने देखे हैं, वो दाने खुद देखे हैं मैंने, छोटे 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 दाने बने हुए उनके ऊपर। ये सारे छतरे चर फिर रहे हैं। ये देखिए जी, अल्लाह पाक सब के लिए कुर्बानी ख़रीदना आसान फरमाए, सबकी मुश्किलात दूर फरमाए। ये जो लोग भाई हमारे लोग आए हुए हैं, अल्लाह ताला इनके लिए अच्छा वसीला अच्छा रिज़्क़ अता फरमाए ताकि ये लोग खैर खैरी से अपने बच्चों में जाएं। इनकी बदौलत हम लोग कुर्बानी कर पाते हैं। ये सौदा हो रहा है जी ऊँटों का, काफ़ी देर से कर रहे हैं भाई। ये देखें ऊँट, ये माशाल्लाह एक अच्छा ऊँट है। आप उतरो ना, एरा की मांग रहे हो भाई साहब? 11.5 लाख रुपया, माशाल्लाह सोना ऊँट है भाई साहब। अल्लाह अल्लाह खैर करे, चलो जी अल्लाह खैर करे। 11.5 लाख रुपये का ऊँट मांगा, जो भी अच्छा ऊँट है ना वो 10 लाख से ऊपर का मांग रहे हैं लोग। जिसके बाद 3 लाख ना ऊँट उसे भी मिल जाना, जिसके बाद 4 लाख रुपया ऊँट उसे भी मिल जाना, जिसके बाद 5 लाख रुपया ऊँट उसे भी मिल जाना। ये नहीं कि उसे ऊँट नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन हर एक की अपनी कोशिश होती है। जिसके पास 3 है सब उस कहता है इससे अच्छा मिले, अच्छे वे में रहे। वो आंटियाँ भी सौदा कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ठीक ठाक हो? की मांग रहे भाई साहब? 6 लाख। चलो अल्लाह खैर करे, माशाल्लाह 6 लाख मांगा जी भाई इन्होंने। ये देखे जानवर भी बीमार हुए हैं, बहुत बुरी हालत में इस टाइम ही जानवर, मुंह से पानी निकल रहा उसके। ये मंडी का खारजी रास्ता, यहाँ से वापसी का अमल शुरू हो गया, मंडी से हम वापिस आ गए हैं। बकरे हैं, पता करो बकरे हैं, पता करते हैं। की मांग रहे भाई? कितने मांग रहे हैं? 1,35,000 जोड़ी का। ओ लाख ऊपर 1,35,000 जोड़ी का मांग लिया भाई ने। छोटे छोटे बकरे हैं लेकिन ज्यादती हैं यार, इतना नहीं ज्यादती करनी चाहिए। देखिए लॉट आई है बकरों की, राजनपुरी बकरे भी हैं, दूसरे बकरे भी हैं, सफ़ेद बकरे भी हैं। वो टेडा खड़ा जी माशाल्लाह, देखें सामने तो दो बकरे खाऊँ आपको जी। ये देखिए टेडा, ये देखिए ये साइड सारी बकरों की, दुम्बों की, छतरों की। यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त किस्म के दुम्बे भी पाए जाते हैं। ये दुम्बों की साइड है जी,
कुतुम्बे, जो दो कुतुम्बे पसंद करते हैं वो यहाँ इस साइड पे आते हैं। माशाल्लाह बकरा ही बकरा हर जगह है। फंसे रहते हैं और जहाँ जिसका 500 का पेट्रोल लगना है उसका 2000 का पेट्रोल लग जाता है, 1500 का लग जाता है, 1000 का लग जाता है। टाइम का वक्त, टाइम जो ज़्यादा ज़ाया होता है। ये लिफ्टर खड़ा है ताकि जो लोग गलत पार्किंग करें उनको उठाने के लिए। ये पकड़ो अंदर आ रहे हैं, देखें लोडेड ट्रक है पकड़ों से। ये वापसी का सफ़र शुरू हो गया जी। अब शाहपुर कांजा मंडी का काम हो गया। एक सेकेंड एक रुकिएगा था भाई, कितने का लिया है, कितने का लिया है, कितने का लिए, क्या मांग रहे हैं? 1 लाख रुपये। माशाल्लाह प्यारा है, ये लाख रुपए मांग रहे हैं भाई इस बकरे का।